तो ही गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सोरठा छंद की। सोरठा छंद की बात करेंगे, लेकिन सोरठा छंद को हम एक ट्रिक की सहायता से समझेंगे। अगर इस ट्रिक को आप जान जाते तो आप सोरठा छंद को आजीवन नहीं भूल सकते, ठीक है। वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो तो आप सोरठा छंद जिंदगी भर नहीं भूल सकते, ठीक है। पहले इसकी परिभाषा को देख लेंगे, फिर इसके ट्रिक को समझेंगे, वो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी, ठीक है। दोहा जो होता है, ये सारी सोरठा छंद जो होता है, सोरठा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। इसमें सोरठा छंद की हम परिभाषा, उदाहरण और लक्षण को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ट्रिक है वो क्या है, इसका जो ट्रिक है वो है सो गते। अब देखो, ये जो सोगते है ये कौन सी ट्रिक है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। सो का मतलब हो गया सोरठा छंद, ग का मतलब हो गया 11-11 और ते का मतलब 13-13। यानी कि जो सोरठा छंद है उसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती। ये जो ट्रिक ही है आपका कि इसको पूरा कंप्लीट कर दिया सोरठा छंद को, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो, यह अर्ध सममात्रिक, इसमें चार चरण होते। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती, ठीक है। पहले 11-11 मात्राएं होती और तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती, और ये दोहे का उल्टा होता है। अब देखो, कभी कभी दोहा और सोरठा में अंतर नहीं समझ में आता, पहले आप 13-13 लिख देते हो दोहा, तो इस कन्फ्यूजन को इस ट्रिक से आप दूर कर सकते हो। इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इसमें चार चरण होते हैं। ये हो गया सुनी केवट की बहन, प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करना आयन, चीथे लगत जानके तक। अब इसमें मात्रा किस तरह से लगाती ये चीज़ों आपको दिखा, ठीक है। मात्रा को शो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, दीर्घ और गुरु का मात्रा होता है दीर्घ। दीर्घ यानी गुरु यानी बड़ा होता है। देखो, ये बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ का मात्रा, औ का मात्रा, ऐ का मात्रा, आ का मात्रा, ओ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए यश नुमा, ठीक है। ये यश होता है, इसका मतलब होता है दो। और छोटी जो मात्रा होती है उनके लिए एक, इस तरह का सिंबल लगाया जाता है, इसका मतलब होता है एक। ई छोटी ई और इधर का मात्रा, छोटा ऊ अ का मात्रा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए इसका एक पाई का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुनी, ठीक है, ये क्या है, सुनी जो है वो छोटा ऊ की मात्रा है, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सुनी, ये छोटा ई का मात्रा है, इधर का छोटा ई का मात्रा, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, एक। और के, ए का मात्रा है, तो ए की मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे ए का मात्रा आता है, तो इसमें ये यही वाला यूज करते हैं, ठीक है, दीर्घ यानी गुरु वाला। तो इसके लिए क्या कर देंगे, दो, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए दो। ए का मात्रा यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ए का भी मात्रा है और यहाँ पे ए का मात्रा के लिए भी दो का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए एक। यहाँ पे प्रेम है तो इसके लिए दो ए का मात्रा है, और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, 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 दो, ठीक है। सभी में हम दिखा देंगे, उसके बाद हम इसकी गिनती करेंगे। विह से, ठीक है, ये छोटी की मात्रा, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक का मात्रा के लिए दो, इसके लिए एक। अब देखो, ये जो रू है, ठीक है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, देख सकते हैं, ये छोटा ऊ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एक का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक, और ये आ का मात्रा, इसके लिए दो, यहाँ पे एक, 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 और ये छोटी की मात्रा, इसके लिए एक, ऐ है, इसके लिए दो, इसके लिए एक, 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 और इसके लिए दो, इसके लिए एक। और देखो, ए ई की मात्रा कौन सी है, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप कि बड़ी की मात्रा, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, दो का प्रयोग करेंगे, और इसके लिए एक, और इसके लिए एक। अब देखो, गिनते हैं, ठीक है। अब गिनने पर देखो क्या आता है, इन्होंने बताया कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ होती, पहले को हम गिनते और तीसरे को। तो पहला गिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, और तीसरे में भी ग्यारह बोल रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ग्यारह है। अब इसके बाद बोल रहा है दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे देखते, दूसरा और ये चौथा चरण है, दो, एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, सही है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। तो यहाँ पे 13-13 मात्राएं हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।